नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम बी एच जी फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बैक फिल्म स्टॉक की बात की जाए तो पिछले दो दिनों से स्टॉक के अंदर एक अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे और वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तकरीबन कल भी 20% का अपर सर्किट लगा था, आज भी देख सकते कि स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन 20% दो दिन यहाँ पे रिटर्न मिल चुके हैं स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते कि वॉल्यूम्स के भी अच्छी एंट्री दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आ रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक ने जो लास्ट ईयर का हाई था उसको ब्रेक करके नया 52-week हाई किया है आज के दिन में। तो यहाँ पे आप लोग नज़र देख सकते हो कि तकरीबन 10-11 लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल थी, उस लेवल को ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने और रिसेंटली ट्रेडिंग करा 13 लेवल के ऊपर। वॉल्यूम कंटिन्यू जैसे रहे तो स्टॉक और अच्छे मोमेंटम जनरेट कर सकता है। और मंथली चार्ट फ्रेम की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 month का चार्ट भी देखा जाए तो एक 200 मूविंग एवरेज को है वो ब्रेकआउट दिया है मंथली चार्ट फ्रेम में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो थे उसको ब्रेकआउट देकर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगला मंथली चार्ट फ्रेम में भी देख सकते हैं कि अगला रेजिस्टेंस कौन से लेवल पर लग सकता है। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो 20 लेवल के करीबन यहाँ पे रेजिस्टेंस लगने के चांसेस बन सकते हैं। या 15 लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वॉल्यूम्स अच्छे रह जाए तो स्टॉक उस लेवल को भी ब्रेकआउट दे सकता है।